हेलो फ्रेंड्स, मेरी भोजनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसालेदार चटपटे लहसुन वाले गाठिया सेव। इसे घर पर बनाना बहुत आसान है। इससे पहले कि फ्रेंड्स, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए सेव बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लहसुन के गाठिये वाले सेव बनाने के लिए 250 ग्राम बेसन लिया है। बेसन को छान करके रखा हुआ है। 12 से 15 कलियां लहसुन की ली है। 2 हरी मिर्च और थोड़े से हरे धनिये की पत्ती ली है। 4 चम्मच तेल, जिसे हम बेसन में डालेंगे। 1 पिंच हींग चाहिएगी हमें। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 12 से 15 लौंग और 12 से 15 काली मिर्च ली है। 1 चम्मच अजवाइन, जिसको मैंने हाथ से क्रश करके रखा हुआ है। 1 चम्मच खड़ा धनिया और 1 चम्मच सौंफ को दरदरा पीस करके रखा हुआ है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लौंग और काली मिर्च का पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है। अब हम लहसुन, हरे धनिये की पत्ती और हरी मिर्च को एक मिक्सी जार में डालेंगे। हरी मिर्च और हरे धनिये को हम काट लेंगे, इससे हमें पीसने में आसानी होगी। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच पानी और इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है। तो अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसके अंदर हम ये बेसन डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जो लौंग और काली मिर्च का पाउडर बना करके रखा हुआ है इसे भी डाल देंगे, अजवाइन, धनिया और सौंफ दरदरा पिसा हुआ इसे भी डाल देंगे, नमक, हल्दी पाउडर, और अब हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच तेल। एक पिंच हींग डाल देंगे। और अब हमने जो हरी मिर्च, लहसुन और हरे धनिये की पत्ती का पेस्ट बना करके रखा हुआ है इसे भी डाल देंगे। इसे मिला देंगे अच्छे से। ये देखिए, मैंने इसे मिला दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके और इसका एक रोटी के आटे से थोड़ा सा नरम आटा लगा करके तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने इसका नरम आटा लगा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इतना बेसन लगाने में मुझे 3 से 4 टेबल स्पून पानी लगा है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसका बेसन का डो बना करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इस पर एक प्लेट ढक करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए। इसको सेट होने देंगे हम। तो चलिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं और ये बेसन अब हमारा फूल करके सेट हो गया है। तो मैंने सेव बनाने के लिए इस तरह की मशीन ली है। ये बाजार में आसानी से मिल जाती है और इसमें इस तरह के कई जालियां आती है सेव बनाने की। तो जो भी जाली आपको पसंद हो आप इसमें फिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाली जाली ले रही हूँ। इसको हम मशीन के अंदर इस तरह से फिट कर देंगे। और अब हम इसमें चम्मच से 3-4 चम्मच बेसन भर देंगे। तेल को मैंने गरम रख दिया है। तेल हमारा गरम हो चुका है।
ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें बेसन भर दिया है। तो अब हम मशीन को कवर कर देते हैं। और अब हम सेव बनाना शुरू करते हैं। तो तेल में मशीन को इस तरह से फिराते हुए हम सेव बनाएंगे। ये देखिए मैंने सेव को इस तरह से इसमें बना लिया है। अभी हम इसे कुछ देर टच नहीं करेंगे, इसे इसी तरह से फ्राई होने देंगे जब तक कि सेव हल्के से ऊपर आते नहीं दिखाई देने लगते हैं, तब तक के हम इसे इसी तरह से फ्राई होने देंगे। ये देखिए सेव हमारे ऊपर आते दिखाई दे रहे हैं, तो अब हम इन्हें पलट देते हैं। और अब हम इन्हें दूसरी तरफ से भी फ्राई होने देंगे। ये देखिए सेव दूसरी तरफ से भी अच्छे फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। और बाकी बचे सेव भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। मशीन के अंदर बेसन भर देंगे। मशीन को कवर कर देंगे और इसी तरह से हम सेव बनाएंगे। और इन्हें भी हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। ये देखिए एक साइड से फ्राई हो चुके हैं सेव, तो हम इसका साइड चेंज कर देते हैं। और दूसरी तरफ से भी हम सेव को फ्राई होने देंगे। ये देखिए सेव दूसरी तरफ से भी अच्छे फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे सेव इसी तरीके से फ्राई कर लिए हैं और सेव अब हल्के से ठंडे भी हो गए, तो हम इन्हें इस तरह से दबा करके हाथों से तोड़ करके इसे एक समान कर देंगे, जिससे कि ये दिखने में बिल्कुल एक समान दिखेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे सेव को इसी तरीके से क्रश कर दिया है, तो अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, चटपटे मसालेदार लहसुन के गाँठे वाले सेव बन करके तैयार है। आप इन सेव को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके रखें और आपका जब भी मन चाहे आप इन सेव को निकाल करके खाएं। ये सेव 8 से 10 दिनों तक खराब नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।